अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज 13 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट में यूएचएस के फैसले की जो समाअत हुई है उसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। यूएचएस लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। याद होगा यूएचएस लाहौर ने कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, अहम ऐलान, जिसके अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर दोबारा से प्रेफरेंस के हवाले से डिटेल शेयर की गई थी। इस नोटिफिकेशन के मुतालिक भी अदालत में आज बहस हुई है और जो हुई है वो आपको आपकी स्क्रीन पर लिए चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ा फैसला सामने आया है, 13 मार्च की ये हियरिंग है। सबसे पहले आपको बता दें कि निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में जो रीएडमिशन पॉलिसी थी इसके खिलाफ यहां पर कॉपीराइट से बचने के लिए हमने जो है वो चैनल का लोगो हाइड कर दिया है। यहां पर आपको ये बता दें कि पब्लिक न्यूज की यह खबर है। इसके अलावा सिटी 42 एयर वाई हर जगह आ चुकी है। हतमी मेरिट लिस्टें बनाने के लिए यूएचएस लाहौर को 17 मार्च तक मोहलत दे दी गई है। ये अभी जो है वो गैर यकीनी फैसला है, यानी क्लियरली तौर पर तहरीरी और हतमी फाइनल फैसला नहीं है। 17 मार्च को दोबारा इसकी जो है वो दोबारा से समाअत होगी। अदालत ने यूएचएस लाहौर के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने के लिए 17 मार्च तक तौसी कर दी है, यानी यूएचएस लाहौर 17 मार्च तक दोबारा से बच्चों की कोई प्रेफरेंस की नई स्कीम नहीं लाएगा। यूएचएस लाहौर को अभी मना किया गया है कि आपने 17 मार्च तक आपने जो है वो दोबारा से जो है ऑनलाइन पोर्टल पर प्रेफरेंस नहीं लेनी बच्चों से। एक और बात आपको यहां पर यह भी बता दें कि अदालत ने यह भी कहा है कि बच्चों की हक तलफी का मामला है, यानी वो बच्चे जिनको जो अभी वेटिंग लिस्टों में हैं और जिनको दाखला दिया जाना लाजमी है, वकील का मौकफ यह था कि उनको तो दाखले दिए जाए। तो अब आपको यह बता दें कि यूएचएस लाहौर को यह अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 17 मार्च तक लिस्टें जारी करेंगे, और लेकिन वो लिस्टें जो है वो वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म नहीं है, वो लिस्टें तैयार करने का हुक्म है। यानी 17 मार्च तक उन्होंने लिस्टें तैयार करनी है, फिर वो अदालत के रूबरू पेश होंगे, वो लिस्टें अदालत के रूबरू पेश की जाएंगी। जो बच्चे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, यानी वो बच्चे जो लो कैटेगरी कॉलेजेस में हैं, उनको अपग्रेड करना है, अगर उनको अपग्रेड करना है, वो किसी अच्छे कॉलेज में ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, तो उनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। ये लाहौर हाईकोर्ट का मौकफ था और ये तमाम के तमाम फैसले कानून के मुताबिक जो है वो निकाले जाएंगे। अभी तक जो है वो कोई हतमी स्टेज पर ना लाहौर हाई कोर्ट पहुंच सकी है, ना यूएचएस लाहौर पहुंच सका है, और ना पंजाब हुकूमत पहुंच सकी है। मामला जो है वो अभी तक जो है वो गैर यकीनी का शिकार है, और लेकिन इस हवाले से थोड़ी सी जो है वो हमें एक जो है वो रोशनी मिलती है कि अब जो है वो फैसला किसी जो है हतमी स्टेज पर पहुंच जाएगा। लेकिन जो है वो ये कब पहुंचेगा इसके हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। जो बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में अपग्रेड नहीं होना चाहते, उनकी अदालत लाहौर हाईकोर्ट की कोशिश है कि उनको अपग्रेड ना होने दिया जाए, और जो बच्चे अपग्रेड होना चाहते हैं उनको भी जो है वो मौका दिया जाए, ये कहना है अदालत का। और इस हवाले से जो है वो अब दोबारा 17 मार्च तक इस केस की दोबारा समाअत होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।